हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आलू की एक सब्जी। ये गरम हो चुका तेल, आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट इट इज। एक मिनट, इसमें मैं पहले डालूंगी राई और ये चने की दाल, और हम हल्का सा इस चने की दाल को ब्राउन होने देंगे। ये तेल मेरे हाथ से ज्यादा गिर गया, नहीं तो 2 टीस्पून ऑयल से काम इजीली हो जाएगा। हम क्या बना रहे हैं, जो डोसे की फिलिंग में बनती है ना, जो एक्चुअल चेन्नई वाली सब्जी, वो वाली। यहाँ पे जब भी मैं व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट्स और आई ईट एट द स्टॉल्स आउटसाइड ऑन द रोड डोसा, तो जो वो फिलिंग देते हैं ना, लाल लाल आलू विथ टमाटर एंड रेड चिली पाउडर, आई सीरियसली फील सो सैड टू स्टॉप ईटिंग। तो जो ट्रेडिशनल वाली फिलिंग है, मैं वो आपको बताती हूँ। इसे आप डोसे में फिल करके भी खा सकते हैं एंड इसे आलू पूरी के साथ भी खाया जाता है इन चेन्नई। सो ये देखिए, काफ़ी अच्छी से ब्राउन हो गई है मेरी चने की दाल। अब मैं इसमें लंबे लंबे कटे प्याज डाल देती हूँ। मैं एक बार गैस स्विच ऑफ करी क्योंकि मेरा कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुका है। हल्का सा फ्राई करते हुए, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो वो आप डाल सकते हैं। आई डोंट हैव सो आई एम स्किपिंग इट। और अब मैं इसमें डालूंगी कूटा हुआ हरी मिर्च एंड अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो मिक्सी में भी बारीक सा पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। ये खूब सारी अदरक ली है मैंने और 2 से 3 हरी मिर्च। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ तीखा यू वांट, यूज अकॉर्डिंगली। जो इस डिश को जो एक्चुअल, सी साउथ इंडियंस डोंट यूज मच मसालास, सो इस डिश को जो अपलिफ्ट करने वाला है वो है ये जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, मामूली सी हल्दी, हिलाते हुए इसे। हल्की सी हींग डाल देंगे इसमें, इट्स ऑप्शनल, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ। प्याज हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, मैंने आलू बॉईल करके मैश करके रखे हैं। वी लव दिस सब्जी विथ पूड़ी के साथ, मैं बहुत बार बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है किडो को और मेरे हस्बैंड को। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी, नमक, आलू मैंने उबालते वक्त भी नमक डाला था तो हल्का सा कमी डाल रही हूँ मैं। मेरी सांभर बन रही है दूसरी तरफ। नो आई एम नॉट मेकिंग इडली डोसा, मेरे पास इडली बैटर नहीं है अभी। व्हाट आई एम डूइंग इज चावल सांभर और ये सब्जी खाने का मेरा मन हो गया। सो ये देखिए, पानी इसने पूरा सोख लिया है। ये सब्जी बहुत गीली, मतलब सूखी नहीं होती है, थोड़ी लचपच टाइप की होती है। सो इसमें ये देखिए, मैं पानी डाल के इसे मिला रही हूँ अच्छे से। इसे मैं धीरे धीरे करके खूब सारा पानी डालेंगे और उसे हम साथ साथ पकाते भी जाएंगे। आलू आप ध्यान रहे कि अच्छे से मैश कर ले, कुछ थोड़े बहुत बिट्स हो बड़े बड़े चलेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं लिड लगा के इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी थोड़ा सा फुल आंच पे। उसके बाद फिर से मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर लिड लगाऊंगी, पकाऊंगी। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। This is how you keep cooking this and this is how it keeps absorbing the flavor. है तो ये बहुत ही सिंपल सी जल्दी से बनने वाली सब्जी, बट दिस इज हाउ इट इज मेड। ये देखिए,
अभी इसका पानी सूखा नहीं है तो थोड़ा सा कुक करेंगे हम इसे फुल आंच पे अच्छे से, या धीमी आंच पे भी कर सकते हैं। जैसे इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा मैं फिर और पानी डालूंगा। सो आई लव दिस सब्जी। ये अभी मैंने एक ग्लास ऑलरेडी पानी डाल चुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है बट आई वॉन्ट टू शो इट एज इट इज, आई डोंट वॉन्ट टू एडिट एंड शो। ये देखिए नीचे से धीरे धीरे चिपकने लगा है। आप चाहो तो एक बार बीच में टेस्ट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि जिंजर और ग्रीन चिलीज आपने कम डाली है तो उसे बीच में डाल लेना। हालांकि शुरू में डाल के हल्का सा फ्राई किए होकर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है। सो ये देखिए खूब सारा पानी डाल के मैंने वॉटरी करा है। अब मैं इसे ढक दूंगी और थोड़ी देर कुक होने दूंगी जब तक वो पानी नहीं सूख जाता। सो ये देखिए इसको आप बीच बीच में हिलाते ज़रूर रहिए, क्योंकि क्या होगा पानी ऊपर आ जाएगा और आलू नीचे वरना चिपक जाएंगे। ये अभी भी इसमें थोड़ा पानी है तो थोड़ी देर और मैं कुक करूंगी। ये 5 to 7 minutes मैक्सिमम 10 minutes में बहुत ही अच्छी सब्जी बन जाती है। सो ये देखिए अब ये मेरी सब्जी काफी अच्छी थिक हो गई, वॉटरी भी नहीं। आप चाहें तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक कर सकते हैं पर मुझे यही पसंद है फ्लोही का। और अब मैं इसमें खूब सारा धनिया डाल दूंगी एंड दिस इज रेडी टू बी स्टफ्ड इनसाइड योर डोसा। और पूरी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू ट्राई दिस रेसिपी डू लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। बाय बाय।